नमस्कार, माधमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट का वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत पार्ट 5 करेंगे। अगस्त 2021 का मॉडल एक्टिविटी टास्क रिश्रा विद्यापीठ यूनिट हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 12 का अगस्त 2021 का हिंदी सब्जेक्ट है रिश्रा विद्यापीठ यूनिट 2। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक का एक, राम लला नाचू और विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? राम लला नाचू और विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति है। एक का दो जो है, लेखक ने शोभा निकेतन किसे कहा है? तो किसे कहा है? लेखक ने शोभा निकेतन पर्वत को कहा है। हो गया। एक का तीन, राम बोला किनके बचपन का नाम था? राम बोला गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। अब एक का चार, समाज द्वारा स्वीकृत इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव के चित गंगा में स्नान रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो चित गंगा में स्नात रेखांकित शब्द है, इसका अर्थ है चित गंगा में स्नात अर्थात विश्व के मनुष्यों की स्मृति में बसा नाम है। ख, प्रस्तुत में बसा है, ये स्नात है, बसा है, नहाया हुआ। तो यहाँ पर नाम हमने लिखा है क्योंकि यहाँ पर कुटज के बारे में ही उन्होंने कहा था। अगला है, प्रस्तुत पंक्ति के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो प्रस्तुत पंक्ति के पाठ का नाम कुटज और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इस तरह से ये पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 100 से 150 शब्दों में दीजिए। तो प्रश्न है, कुटज की विशेषता पर चर्चा कीजिए। कुटज की विशेषता है, कुटज एक छोटा सा ठिगना पेड़ है, पत्ते चौड़े और बड़े हैं, सफेद फूलों से लदा होता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हंसकर जीने की प्रेरणा देने वाला। कुटज हिमालय के पाद प्रदेश में होता है। यह प्रदेश एकदम सूखी नीरस एवं कठोर होता है। काले काले चट्टाने और इन चट्टानों के बीच बीच में खून के समान लाल रक्ताप रेत फैली होती है। कोई हरियाली नहीं, धूप तक सूख गई होती है। लेकिन फिर भी इन प्रतिकूल विकट परिस्थितियों में भी उठा जीता है, हरा भरा रहता है। तो दूसरा है आपका, शान से जीने वाला। उठज न केवल जीता है बल्कि शान से जीता है। वह अपनी उन्नति के लिए अवसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दांत नहीं निपोड़ता, जीता है और शान से जीता है। तीसरा है, अपराजित स्वभाव वाला। वह चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करता है। वह यहाँ से ना लिख कर हटा दे, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे वह, अब यहाँ पर वह लिखना अच्छा रहेगा, उसे वह शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करता है, हार नहीं मानता है। यहाँ पर वह की जगह आप चाहे तो कुटज लिख सकते हैं और अच्छा रहेगा। चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे कुटज शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सो उल्लास ग्रहण करता है, हार नहीं मानता है। चौथा है, आजीवन वैरागी। कुटज वैरागी है, उसका मन उसके वश में है। वह मिथ्याचारों से मुक्त है। वह अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। ये रहे चार विशेषताएं, जिन पर हमने प्रकाश डाला है। वैसे चाहे तो आप अपनी तरफ से दूसरे भी देख सकते हैं। आते हैं दो नंबर,
पठित पाठ के आधार पर तुलसीदास के मित्रता संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव के बीच संवाद द्वारा मित्रता संबंधी विचारों पर प्रकाश डाला है, जो निम्न प्रकार है। मित्र के दुख में दुखी होना। मित्र अपने मित्र के दुख में अपने दुख सुख से भी अधिक दुखी होकर मित्र अपने मित्र के दुख में अपने दुख से भी अधिक दुखी होकर उसे दूर करने के लिए मचर उठता है। दूसरा, कुपथ से सुपथ गामी बनाना। मित्र अपने मित्र को बुरे रास्तों से बचाता है, वह बुरे रास्ते क्या है, बुरे रास्ते पर चल रहे पर अच्छा वो बुरे रास्ते पर चल रहे अपने मित्र को वहां से हटाकर अच्छे रास्ते पर ले चलता है। तो अच्छा से लिखिएगा, मेरा तो अब खुद का पढ़ाई ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या दिखाऊं। आते हैं आगे। लेन देन में कोई शंका न होना। मित्र अपने सामान या व्यक्तिगत कोई चीज, सामान है मैंने वस्तु, या व्यक्तिगत कोई चीज आपस में निसंकोच लेन देन करते हैं, यह उनके लिए आम बात होती है। दूसरा हुआ, चौथा, अपने सामर्थ्य अनुसार भला करना। मित्र अपने सामर्थ्य फिर चाहे वह धन बल हो या तन बल, द्वारा अपने मित्र का सदा हित करता है, वह उसका बुरा नहीं होने देता है। पांचवा है, विपत्ति काल में स्नेह करना। तो 100 गुना स्नेह करना भी देख सकते हैं। तो विपत्ति काल में मित्र और अधिक स्नेह करता है, उसका स्नेह आम दिनों से अधिक हो जाता है। तो ये रहा उत्तर। आपका मॉडरेटर टास्क क्लास 12 का हिंदी अगस्त 2021 रिश्ता विद्यापीठ इंटू रिश्ता विद्यापीठ रिश्ता हो लिखा है। आप चाहें तो अपना ही क्वेश्चन पेपर 7980044540 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।